نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فصلي لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मौजूद सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी अभी मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी ए महबूब, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुर्बानी का सिलसिला ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। वो इस तरह से कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपनी कोई प्यारी चीज अल्लाह की राह में वो पेश कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अपने बेटे को वो अल्लाह के राह में ज़बह कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जब ख्वाब देखा तो इस पर बहुत परेशान हुए। लेकिन ये ख्वाब उन्होंने लगातार जब देखा तो फिर उनको ये महसूस हुआ कि वाकई में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि मुझे बार बार ये ख्वाब आ रहा है। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जौजा से फरमाया कि तुम मेरे बेटे इस्माइल को नहला धुला कर तैयार करो, मैं इसे अल्लाह की राह में ले जा रहा हूँ, मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। उनकी वालिदा आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने जब ये बात सुनी कि अल्लाह का फरमान है तो उन्होंने इस बात पर सब्र कर लिया और अपने हाथों से अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया धुलाया, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और उन्हें अपने उनके वालिद के साथ रवाना फरमा दिया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ जा रहे थे तो उन्हें भी ये बात मालूम हो चुकी कि वो अल्लाह की रजा के लिए मुझे मेरे वालिद कुर्बान करने को ले जा रहे हैं, और रस्ते में उनको शैतान ने कई दफा रोकने की कोशिश की, और जब जब शैतान आता उनको बहकाने की कोशिश करता तो वो अपने हाथों में कंकरियां उठाते और शैतान लईन को उससे मारते, जिसकी वजह से वो फिर भाग जाता। और जब आज हज के लिए लोग जाते हैं तो कुर्बानी भी करते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी अदा करते हैं, कंकरियां फेंककर शैतान को मारते हैं। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अल्लाह की रजा पर राजी होकर अपने वालिद के साथ, ये जानते हुए कि आज मुझे मेरा वालिद और मेरे अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान करने को ले जा रहे हैं, उसके बावजूद वो खुशी खुशी अपने वालिद के साथ चल देते हैं। और जब उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कुर्बानी पेश करनी थी, एक पत्थर पर लिटाते हैं। इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर, आप मेरे चेहरे पर कपड़ा डाल दें ताकि जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरे चेहरे को देख करके आपको अफसोस ना होने लगे, आपको मुझ पर रहम आने ना लगे और आप अल्लाह के अहकाम से, अल्लाह के फरमान से कहीं पीछे ना हट जाएं। जब ये बात उन्होंने कही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया, क्योंकि बाप अपने बेटे को अगर अपने हाथों से ज़बह करे तो ये बात कितनी दर्दनाक है, ये आप जानते ही हैं। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चलाई तो वो छुरी चलती ही नहीं। दो तीन मर्तबा जब उन्होंने ऐसा किया लेकिन वो छुरी नहीं चली, तो फिर आखिर में जब उन्होंने वो छुरी निकाली और पूरे ताकत के साथ चलाया तो छुरी तो चल गई, लेकिन जब आंख खोल करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और सामने जो ज़बह किया हुआ है, जिस चीज की कुर्बानी पेश की गई, वो एक दुम्बा है। क्योंकि जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी तानी, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि ए जिब्रील, हजरत इब्राहिम की छुरी को चलने से पहले तो इस्माइल की जगह पर दुम्बा लिटा दे ताकि मेरा इब्राहिम दुम्बे की कुर्बानी करे। मैं उससे खुश हुआ कि उसने मेरे इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। सुभान अल्लाह, ऐसे होते हैं खुदा की राह में बड़ी सी बड़ी कुर्बानियां देने वाले। अंबियाए कराम ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे वास्ते। लेकिन आज एक और चीज देखने को मिलती है कि बकरईद के दिन, ईद उल अजहा के दिन लोग सुन्नत इब्राहिमी को तो जिंदा करते हैं
हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने के बाद सुन्नत मोहम्मदी को कत्ल कर देते हैं। वो इस तरह से कि सुन्नत इब्राहिमी को जानवर ज़बह करके जिंदा करते हैं और कुर्बानी हो जाने के बाद अपनी दाढ़ी मुंडवा कर सुन्नत मोहम्मदी को कत्ल कर देते हैं। अब मैं आपको कुर्बानी के मुतल्लिक जरूरी मसाइल बयान कर दूं ताकि आप सभी को ये बातें मालूम हो, और कुर्बानी करने का तरीका अगर आपको नहीं आता हो तो आप इस बयान के जरिए से जान जाएं। कुर्बानी कई किस्म की है, गनी और फकीर, यानी मालदार हो या फकीर हो, दोनों पर वाजिब है। एक किस्म ये है कि फकीर पर वाजिब हो लेकिन मालदार पर वाजिब ना हो, और एक किस्म ये है कि मालदार पर वाजिब हो लेकिन फकीर पर वाजिब ना हो। जब दोनों पर वाजिब हो तो उसकी सूरत यह है कि कुर्बानी की मन्नत मानी, ये कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है, या इस बकरी या इस गाय को कुर्बान करना है, और फकीर पर वाजिब हो लेकिन मालदार पर वाजिब ना हो, तो इसकी ये सूरत है कि फकीर ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और उस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब है, और मालदार अगर खरीदता तो उस खरीदने से कुर्बानी उस पर वाजिब ना होती। और तीसरी किस्म के मालदार पर वाजिब हो और फकीर पर वाजिब ना हो, उसकी सूरत यह है कि कुर्बानी का वजूब ना खरीदने से हो और ना ही मन्नत मानने से, बल्कि खुदा ने जो उसे जिंदा रखा है उसके शुक्रिया में और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की जिद को जिंदा करने के लिए जो कुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ मालदारों पर है, यानी साहिब निसाब पर, जिस पर जक़ात फर्ज है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई मुसाफिर है तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की है तो फिर ये नफल है, और फकीर ने अगर ना मन्नत मानी हो और ना ही कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा हो और उसकी कुर्बानी करना भी नफल है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए इस्लाम में चंद शरायत हैं। पहला तो ये इस्लाम यानी मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अकामत यानी मुकीम होना, यानी कहीं सफर में ना हो बल्कि वो अपने घर पर हो, मुसाफिर पर वाजिब नहीं। तवांगरी यानी मालिक निसाब हो, यानी जिस पर जक़ात फर्ज हो उसके लिए कुर्बानी वाजिब है। तवांगरी यानी मालिक निसाब होना, यहाँ मालदारी से मुराद वही है जिससे सदका फितर वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे जक़ात वाजिब होती है, यानी जो सदका फितर देने की ताकत रखता है उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। हुर्रियत यानी आज़ाद होना, और जो आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मर्द होना ये शर्त नहीं, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है। कुर्बानी करने के लिए बालिग होना शर्त है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। नाबालिग पर वाजिब है तो या फिर खुद उसके माल से कुर्बानी की जाएगी या उसका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा, लेकिन मशहूर रिवायत यह है कि ना ही खुद बालिग पर वाजिब है और ना ही उसकी तरफ से उसके बाप पर वाजिब है, और इसी पर फतवा है। ये जो शरायत अभी जिक्र की गई, इन शरायत का पूरे वक्त में पाया जाना जरूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्सा में अगर ये शरायत पाए जाएं तो वाजिब होने के लिए यही काफी है। यानी एक शख्स इब्तिदाए वक्त कुर्बानी, यानी जिस वक्त से कुर्बानी का वक्त शुरू हुआ है उस वक्त में अगर काफिर था और फिर वो मुसलमान हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त बाकी ही है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि बाकी जो शरायत हैं वो भी पाए जाएं। इसी तरह अगर गुलाम था और आज़ाद हो गया तो उसके लिए भी यही हुक्म है, यानी जब आज़ाद हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त बाकी है और उसके पास इतना माल है कि सदका फितर वो अदा कर सकता है तो फिर उसके लिए कुर्बानी वाजिब है। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दिनार का मालिक हो, या जरूरत से जायद कोई चीज उसके पास हो जिसका वो मालिक है, जिसकी कीमत 200 दिरहम हो, तो वो गनी है, वो मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और हाजत से मुराद रहने का मकान और खाने पीने के सामान हैं जिनकी हाजत हमेशा इंसान को होती है। इसी तरह सवारी का जानवर और गुलाम और पहनने के कपड़े, इन चीजों के सिवा जो चीजें हैं वो हाजत नहीं। 200 दिरहम की कीमत मौजूदा दौर में लगभग 4,500 रुपए बनते हैं। एक शख्स के पास 200 दिरहम थे, साल पूरा हुआ और उनमें से 5 दिरहम जकात में दिए, 195 बाकी रहे।
अब कुर्बानी का दिन आया तो कुर्बानी वाजिब है और अगर अपने जरूरियात में 5 दिरहम खर्च करता तो कुर्बानी वाजिब ना होती, यानी उसने 5 दिरहम से ज़कात अदा किए, इस वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब रही। और अगर वो अपनी जरूरत में उनको खर्च करता तो फिर वो उसके जरूरत का हो जाता और उससे कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अगर मालिक निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी थी, वो गुम हो गई और उस शख्स का माल निसाब से कम हो गया, अब कुर्बानी का दिन आया तो उस पर ये जरूरी नहीं कि दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। और अगर वो बकरी कुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और ये शख्स अब भी मालिक निसाब नहीं तो उस पर उस बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। शर्त है मालिक निसाब होना, अगर मालिक निसाब नहीं तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर किसी ने एक मकान जाड़े के लिए और एक मकान गर्मी के लिए रखा है तो ये हाजत में दाखिल है। उसके अलावा उसके पास अगर तीसरा मकान है जो हाजत से ज्यादा है और अगर ये 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह गर्मी और जाड़े के बिछौने हाजत में दाखिल हैं और तीसरा बिछौना जो है वो हाजत से ज्यादा है तो उसका एतबार किया जाएगा। और गाजी के लिए 2 घोड़े हाजत में हैं और तीसरा घोड़ा अगर है तो वो जायद है। और जंग के हथियार अगर हाजत में दाखिल हैं, जबकि हर एक हथियार एक एक हो और अगर 2-2 हथियार हों, हर किस्म के हथियार 2 हों, तो दूसरे को हाजत से जायद करार दिया जाएगा। इसी तरह घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक्त पहनने के कपड़े और जुमा और ईदैन और दूसरे मौकों पर पहनकर जाने के कपड़े, ये सब हाजत में दाखिल हैं और इन 3 के सिवा चौथा जोड़ा अगर 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब होगी। और एक मसला बहुत जरूरी मालूम होता है, क्योंकि आम तौर पर आजकल लोग ये सोचते हैं कि 10वीं को ही कुर्बानी की जाए। ये जरूरी नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, इसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करे। लिहाजा अगर वक्त के शुरू होने में उस लायक ना था और जो शरायत वाजिब होने के लिए जरूरी थे वो नहीं पाए जाते थे और आखिर वक्त में वो उसके लायक हो गया, यानी शरायत पाए जाने लगे, तो अब उस पर वाजिब हो गई। और अगर जिस वक्त वक्त शुरू हुआ कुर्बानी का, उस वक्त अगर वाजिब था और अभी नहीं की थी और आखिर वक्त में वो शरायत अगर उस पर बाकी ना रहे, यानी वो मालदार था और अब आखिर वक्त में वो फकीर हो गया, तो अब कुर्बानी उस पर वाजिब ना रही। और जब कुर्बानी की जो शरायत मैंने जिक्र की वो जब पाई जाए तो बकरी का ज़बह करना या ऊंट या गाय का 7वां हिस्सा वाजिब है। 7वें हिस्से से कम अगर हो तो नहीं होगा, बल्कि ऊंट या गाय के जो शरीक हैं उनमें अगर किसी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम है तो उसमें किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। यानी जिसका 7वां हिस्सा है या जिसका उससे ज्यादा है उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। गाय या ऊंट में 7वां हिस्सा से ज्यादा की कुर्बानी हो सकती है, मसलन गाय को 6 या 5 या 4 लोगों की तरफ से कुर्बानी करें तो हो सकता है। और उस वक्त ये जरूरी नहीं कि हर एक शरीक के हिस्से बराबर हों, बल्कि कम और ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि जिसका हिस्सा कम है तो 7वें हिस्से से कम ना हो, यानी एक मुकम्मल हिस्सा बनता हो, एक मुकम्मल हिस्से से कम ना हो। कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें, और इन दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। और 11 से 13 तक 3 दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं, लिहाजा बीच के 2 दिन अय्याम नहर व अय्याम तशरीक दोनों हैं। और पहला दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा सिर्फ यौम नहर है और पिछला दिन यानी 13वीं ज़िलहिज्जा सिर्फ यौम तशरीक है। अगर कोई साहिब निसाब है और कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी कीमत को सदका भी नहीं किया, यहाँ तक के दूसरी बकरीद आ गई और अब ये चाहता है कि पिछले साल की कुर्बानी इस साल कजा कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अब भी उसके लिए यही हुक्म है कि पिछले साल जो जानवर उसने कुर्बानी के लिए खरीदा था तो उसकी वो कीमत का सदका करे या उस जानवर को सदका करे। अब मैं आपको कुर्बानी के जानवरों के मुतालिक बताऊं कि कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊंट, गाय और बकरी। हर किस्म में उसकी जितनी किस्में निकलती हैं सब दाखिल हैं, नर हो, मादा हो, खसी हो या बगैर खसी किए हुए, सबका एक ही हुक्म है, यानी सबकी कुर्बानी हो सकती है। भैंस भी गाय में ही शुमार है, उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, और भेड़ और दुम्बा बकरी में दाखिल है, उनकी भी कुर्बानी हो सकती है।
और वहशी जानवर जैसे नील गाय और हिरन उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। वहशी और घरेलू जानवर से मिलकर अगर बच्चा पैदा हुआ, मसलन हिरन और बकरी से, उसमें माँ का एतबार है, यानी उस बच्चे की माँ अगर बकरी है तो जायज है उसकी कुर्बानी, और अगर हिरन है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। कुर्बानी के जानवरों की उम्र मुलाहजा फरमाएं कि ऊंट 5 साल का और गाय 2 साल की और बकरी 1 साल की, इससे कम उम्र की हो तो कुर्बानी उन जानवरों की जायज नहीं, ज्यादा हो तो जायज है बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का हो और इतना बड़ा और तंदुरुस्त हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज होगी। और ये बात भी जरूरी है कि कुर्बानी का जो जानवर हो उसमें किसी तरह का आयब ना हो, वो हर तरह के आयब से खाली होना चाहिए। थोड़ा सा आयब हो तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और ज्यादा आयब हो तो होगी ही नहीं। जिसकी पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज है, और अगर सींग थे मगर टूट गए और मेंग तक टूटा है तो जायज है, उससे कम टूटा है तो जायज है, मेंग तक टूटा है तो नाजायज है, और उससे कम अगर टूटा है तो जायज है। जिस जानवर में जुनू हो यानी पागलपन की किस्म पाई जाए और अगर वो जानवर चरता भी नहीं तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, और इस हद का नहीं है यानी चरता फिरता है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज होगी। इसी तरह भेंगे जानवर की कुर्बानी जायज है लेकिन अंधे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, और काना जिसका कानापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नाजायज है, और इतना लागर इतना कमजोर कि जिसकी हड्डियों में मग्ज ना हो, और लंगड़ा जो कुर्बानी गाह तक अपने पांव से ना जा सके, और इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो, जिसके कान या दुम या चक्की कटे हुए हो, यानी वो अज़्व तिहाई से ज्यादा कटा हुआ हो, तो इन सब की कुर्बानी जायज नहीं होगी, यानी ऐसे ऐबदार जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं होगी। और अगर कान या दुम वगैरह तिहाई या उससे कम कटी हो तो जायज है। जिस जानवर की पैदाइशी कान ना हो या 1 कान ना हो उसकी कुर्बानी नाजायज है, और जिसके कान छोटे हो उसकी जायज है। जिस जानवर की तिहाई से ज्यादा नजर जाती रही हो यानी अगर वो देखने में कमजोर हो तो उसकी कुर्बानी नाजायज है, और अगर दोनों आँखों की रोशनी कम हो तो उसका पहचानना आसान है, लेकिन अगर सिर्फ 1 आंख की रोशनी कम हो तो उसका उसके पहचानने का तरीका ये है कि जानवर को 1-2 दिन भूखा रखा जाए, फिर उस आंख पर पट्टी बांध दी जाए जिसकी रोशनी कम है, और अच्छी आंख खुली रखी जाए, और इतनी दूर चारा रखें कि जिसको जानवर ना देखे, फिर चारा नजदीक लाते जाएं। जिस जगह वो चारे को देखने लगे वहां निशान रख दें, फिर अच्छी आंख पर पट्टी बांधें और दूसरी खोल दें और चारा को करीब करते जाएं। जिस जगह उस आंख से देख ले यहां भी निशान कर दें, फिर दोनों जगह की पैमाइश करें, दोनों को नापें। अगर ये जगह उस पहली जगह की तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रोशनी कम है, और अगर निस्फ है तो मालूम हुआ कि अच्छी आंख की बनिस्बत इसकी रोशनी आधी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊंट या गाय वगैरह को अकेले कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऊंट या गाय वगैरह में हिस्सा और शिरकत लिया करते हैं। शिरकत के मुतालिक चंद मसाइल मैं आपको बताती चलूं कि 7 लोगों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदी थी, उनमें से 1 का इंतकाल हो गया। उसके वर्सा ने शरीकों से ये कह दिया कि तुम इस गाय को अपनी तरफ से उसकी तरफ से कुर्बानी कर दो, यानी इस जानवर की कुर्बानी तुम लोग करो और जो उसका हिस्सा था उसको तुम ही लोग आपस में बांट लो, और अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो सबकी कुर्बानी जायज है, और अगर बगैर इजाजत उन लोगों ने ऐसा किया तो फिर ये कुर्बानी जायज नहीं होगी। अगर गाय के जो शरीक हैं उनमें से 1 शख्स काफिर है या उनमें से 1 शख्स का मकसूद कुर्बानी नहीं बल्कि गोश्त हासिल करना है तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि अगर शरीक में से कोई गुलाम या मुदब्बर है तो भी कुर्बानी जायज नहीं होगी, क्योंकि ये लोग अगर कुर्बानी की नियत भी करें तो उनकी नियत सही नहीं, यानी काफिर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। और जो सिर्फ गोश्त खाने के लिए अगर जानवर की कुर्बानी करें तो उनको भी कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, और जो गुलाम होंगे उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं।
कुर्बानी में जितने लोग शरीक हैं सबकी नियत तकर्रुब यानी सवाब हासिल करना हो। इसका मतलब ये है कि किसी का इरादा गोश्त ना हो और ना ये कि वो सवाब की नियत एक ही किस्म की हो, मसलन सब कुर्बानी ही करना चाहते हैं, बल्कि अगर मुख्तलिफ किस्म के तकर्रुब हों यानी मुख्तलिफ किस्म की नियतें हों और वो तकर्रुब सब पर वाजिब हो या किसी पर वाजिब हो और किसी पर वाजिब ना हो तो हर सूरत में कुर्बानी जायज है, क्योंकि तकर्रुब का माना है सवाब हासिल करना। मसलन अगर अहराम में किसी ने शिकार कर लिया तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, इसी तरह अगर अहराम की हालत में कोई ऐसी गलती की जिस पर कुर्बानी वाजिब होता है अगर उस नियत से भी कुर्बानी में शिरकत करे तो उसकी भी कुर्बानी जायज होगी। इसी तरह कुर्बानी और अकीका की भी शिरकत हो सकती है, अकीका भी तकर्रुब ही की एक सूरत है और तकर्रुब यानी अच्छी नियत और सवाब की नियत से अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करना। मौजूद सामीन और सामियात, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बयान को पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे सवाब की नीयत से, क्योंकि दीन की बात को सुनना भी सवाब है और उसको लोगों तक पहुंचाना सवाब जारिया है। लिहाजा मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी सवाब जारिया की नीयत से इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।